हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज जो हम बात करने वाले हैं, बतख पालन आसान और मज़ेदार कैसे होगा। देखो, आसान तो आपके ऊपर है कि आप कैसे आसान बनाते हो। काम कोई भी आसान या मुश्किल नहीं होता, काम काम होता है। बट हाँ, हमको जितना एक्सपीरियंस है और जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, तो आसान हो सकता है। अगर आप जैसे फॉर्म बनाए, फॉर्म के बाजू में तालाब दे दो, एकदम डायरेक्ट रास्ता, ठीक, और चारों साइड से बाउंड्री दे दो, चारों साइड से पैक, मतलब इससे बाहर नहीं निकल सके, तो ये काम बिल्कुल आसान हो सकता है। जैसे कि अगर चराने के लिए कहीं जाना पड़ता है, हरा चारा ला के देना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। पर मेरा ये यहाँ पे क्या है कि आजू बाजू में सब्जी वगैरह सबका खेत वगैरह सब है, तो यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई रहता है, तो इस वजह से ये टेम्प्ररी दिया हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ इंसान रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका अपना ज़मीन है और आपका अगर चाहते हो कि हमको बिना रहे भी काम चल जाए, तो बस ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, बाउंड्री जो घेरा हुआ है, इसको आप फिक्स ये सीमेंट ईंटे का बनवा दो, थोड़ा सा ऊंचा बनवा दो, फॉर्म से रिलेटेड सटा हुआ तालाब बना दो चारों साइड से, और ये जो खाली ज़मीन दिख रहा है यहाँ पे आप हरा चारा लगा दो और बाउंड्री के अंदर छोड़ दो। दिन भर आप छोड़ दो, सुबह में आप खोलो और शाम को सीधा आप अंदर घुसाओ, तो आपका काम कुछ भी नहीं करना होगा। आपको सिर्फ बतख खोलो, पानी में चरेगा, हरा चारा सब खाएगा, एक टाइम सिर्फ खाना दे दो आ करके फॉर्म पे, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। अगर सिक्योरिटी पर्पज़ सिक्योरिटी आपके उधर हो तो, क्योंकि चोरी वगैरह सबका अगर दिक्कत नहीं हो तो, और हमसे अगर पूछोगे कि हम क्यों नहीं यहाँ पे हरा चारा लगाए हैं, तो मेरे पास अवेलेबल ज़मीन वगैरह सब है इतना यहाँ पे कि हरा चारा का इंतजाम हो जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा घास नहीं लगाया। और ये जो जगह आपको दिख रहा है, ये 8 कट्ठे में अभी ये बना हुआ है पूरा, तो इसी वजह से सिक्योरिटी रीजन का यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, सिंपल सा साथ में सजाना का पेड़ लगा दो, हरा चारा लगा दो, एक छोटा सा तालाब बना दो। ये तालाब लगभग 1.5 कट्ठे का है, और आप चाहो तो इससे छोटा भी बनाओ। अगर आप छोटा तौर पे शुरू करते हो तो, अगर 500 के अंदर आपका बतख रखते हो तो और बाउंड्री वगैरह सब घेर दो, ताकि जानवर वगैरह सब, जो कुत्ता बिल्ली होता है, वो सब इसको परेशान ना करे, इंसान का आना जाना, वैसा बाउंड्री बना दो तो भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस सिंपल सा है, एक बार सुबह में आए, खाना दाना दे दिए, क्योंकि रात भर का भूखा रहता है, तो सुबह में दाना देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उसको भी तो भूख लगता है ना, तो दाना दे दो और पानी में छोड़ दो। उसके बाद दिन भर आप जहाँ जाओ मर्जी जो करना है करो, और जब शाम हो तो आ करके सबको अंदर घुसा करके, एक अंदर जाएगा उसके पीछे पीछे सब जाएगा, तो बहुत ही आसान होता है, ईजी होता है। आप एक बार ट्राई करके देख लेना। लेकिन हाँ, सबसे ज़रूरी जो है वो है कि सिक्योरिटी। अगर आपके एरिया में चोरी वगैरह सबका दिक्कत ना हो, तो आप छोटा सा सीमेंट वाला दीवार बना करके भी कर सकते हो बाउंड्री के अंदर पूरा चीज़, उसमें फिर आपको जोगने का या फिर सिक्योरिटी रीजन के वजह से दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे टेम्प्ररी बाउंड्री इसलिए घेरे हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एक आदमी अवेलेबल रहता ही है, क्योंकि आसपास में सब्जी का खेत है। तो मेरे को लगा कि ये जानकारी आप लोग को बताना चाहिए, तो हम बताएं। और भाई लोग, आप लोग चैनल देखते हो, 96% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।